Good morning friends, let us begin with the next part, that is completion of incomplete patterns. ठीक है, so completion of incomplete pattern, ये next part है हमारे discussion का बहुत ही आसान part है. So आज के lecture में हम सीखेंगे कि patterns को किस प्रकार से complete किया जाता है. How are the patterns to be completed? So मित्रों pattern का मतलब क्या है? Pattern का मतलब मित्रों image होती है. पूरी image को वो तीन चार पांच हिस्सों में बांट देता है. Sorry, ठीक है. So, please please दिखाइए या technically please come. ओके, सो एक इमेज को आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे इमेज दिखेगी. ये इमेज के चार टुकड़े किए जाएंगे, कुछ केसेस में पांच टुकड़े भी किए जाते हैं. चार टुकड़े सब जो किए गए उसमें से एक टुकड़ा गायब किया है और वही एक टुकड़ा आपको ढूंढना है. तो आपको दिए गए ऑप्शन में से इमेज का वो टुकड़ा आपको ढूंढना है जिसको वो इमेज से जोड़ने के बाद वो इमेज होती है कंप्लीट. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न. ठीक है, सो समझ लो आपके सामने कोई पिक्चर है. ठीक है, वो पिक्चर में एक चीज मिसिंग है, तो वो मिसिंग क्या है, कौन सी चीज वहां पे एग्जैक्टली फिट हो सकती है, ये आपको बताना है. बहुत ही सिंपल है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग का सबसे इजीएस्ट पार्ट, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न. ठीक है, सो इन दिस गिवन कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस, अ फिगर और नेटवर्क और मैट्रिक्स कंटेनिंग एन अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स टेकिंग आफ्टर द स्पेसिफिक सीक्वेंस और पैटर्न इज गिवन इन विच अ सेक्शन फॉर द मोस्ट पार्ट अ क्वार्टर इज लेफ्ट ब्लैंक. ठीक है, सो पूरे में से कुछ पार्ट जो ब्लैंक छोड़ दिया जाता है. Contenders need to choose the one which best fits into the blank space of problem figure to finish the original pattern. तो original pattern जो है वो खत्म करने के लिए original pattern को complete करने के लिए आपको options दिए हैं. ठीक है, so वो options में से आपको सही option चुनना है. We have to approach the questions according to the sequence of given pattern. तो अपने को क्या करना है, जब भी इसके answers ढूंढने हैं ना तो pattern को ठीक से देखना है. यानी जो original pattern ये आपको उसको ठीक से देखना है, ठीक से गौर फरमाना है. ठीक है, और उसको ठीक से जोड़ना है मित्रों. ठीक है, यानी बार बार इमेज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी दूसरे डायरेक्शन में आपको देखनी पड़ेगी, इमेज को एनालाइज करना पड़ेगा और इमेज को एनालाइज करने के बाद ही वो बचा हुआ पैटर्न जो है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. फाइंडिंग द मिसिंग, देखो क्या दिया, देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम इन द पैटर्न ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ कंप्लीट पैटर्न. फाइंडिंग द मिसिंग फिगर, एक मिसिंग फिगर ढूंढो, पूरी फिगर ही ढूंढो, या फिर द मूवमेंट ऑफ द फिगर इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन 90 डिग्री पैटर्न और इन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू डिग्री. ठीक है, यानी आपको तीन फिगर दिए हैं उसमें से चौथी फिगर कौन सी होनी चाहिए आपको बताने के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या एक ही फिगर का कुछ हिस्सा जो है वो गायब किया है, वो गायब हुआ हुआ हिस्सा आपको बताना है. तो ऐसे दो प्रकार के क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आ सकते हैं मित्रों. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और इसके आंसर बहुत ही सिंपल है, तो उसमें सिखाने लायक कुछ नहीं है, देख के समझने लायक बहुत कुछ है. ठीक है, सो आइए करते शुरुआत क्वेश्चन के साथ. देखो ये इमेज है आपके सामने, ये इमेज है, इसमें से ये इमेज को, पूरी इमेज को चार हिस्सों में, चार टुकड़ों में बांट दिया, इसलिए चार बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक दो तीन और ये चौथा बॉक्स है. ठीक है, सो अब मित्रों एक दो तीन चार, चार बॉक्सेस में से तीन बॉक्सेस भर दिए, ये चौथा मिसिंग बॉक्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सो इसको आप कैसे बनाओगे, इसको आप बना के देख लीजिएगा खुद से. देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए इमेज में आपको मदद करता हूँ. देखो यहाँ पे इमेज कैसे कंप्लीट हो सकती है, यहाँ पे एक सीधी लाइन, ठीक है, सीधी लाइन के साथ ये ऐसा जोड़ देना है और बाद में यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर बना बनेगा, रादर अंदर नहीं, ये ऐसा कुछ बनेगा अंदर, और उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा, ये लाइन के साथ जोड़ दीजिएगा. ठीक है, सो इस कुछ इस प्रकार की इमेज बनेगी. अब इसका मतलब ये इमेज कंप्लीट करने के लिए है, जो इमेज बनने वाली है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी. ठीक है, जहां तक हमने उस इमेज को समझा है वो कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन तो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा जरूर. ठीक है, सो ऐसे और उसके बाद यहां से जोड़ने के लिए कुछ इस प्रकार से जोड़ना होगा, इस प्रकार से कुछ जोड़ना होगा. ठीक है, सो हमारी इमेज जो है किसके साथ मैच होती है, देखो ये तो नहीं इसके साथ नहीं मैच होती, इसके साथ यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है तो मैच नहीं होगी, और यहाँ पे भी यहां से निकला है तो इसके साथ मैच नहीं होगी, तो बचता ऑप्शन ए की है, दैट इज ऑप्शन बी. तो यही इसका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन बी. कंप्यूटर में तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब है. तो दिस आर यूनिट टू कंप्लीट द इमेज मित्रों. तो आपको देखो ये इमेज दी जाएगी, उसमें से कुछ पार्ट गायब किया जाएगा और बच्चा हुआ पार्ट आपको ढूंढना है. ठीक है, सो देखो मैंने कैसे छोटे छोटी चीजें आइडेंटिफाई करके निकाली कि यहाँ पे जो है ये देखो इसका शेप बिगड़ गया. ठीक है, ये बीच में स्टार टाइप होना चाहिए, तो स्टार टाइप जो है यहाँ पे भी स्टार नहीं है, यहाँ पे भी स्टार नहीं है, तो ये दो फिगर गई, तो स्टार वाली दो ही फिगर्स थी. ठीक है, इसमें जो है इसका शेप नीचे जा रहा है, इसका शेप ऊपर जा रहा है, तो एग्जैक्टली ये साइड जाने वाला है, ये साइड जाने वाला चाहिए था. ठीक है, सो ये हमने ढूंढ लिया, फिगर बी शैल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ऐसे ही मित्रों आपको फिगर्स दिए, अब आपको इसके आगे कंप्लीट करना है. ठीक है, इसके आगे 10 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने बना के लाए हैं,
तो ये 10 questions आपको सॉल्व करने हैं। कंप्लीट द गिवन फिगर, ये फिगर्स आपको कंप्लीट करनी है, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिगर्स को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो ठीक से देखिएगा, फिगर को पहले देख लीजिएगा, फिगर के कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये पहला जो स्क्वायर है उसी का ये इनकम्प्लीट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर 3 और 4 एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं, ठीक है। सो देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, 4, 4 नंबर पे कौन सी फिगर आनी चाहिए, आप हमें बताएंगे, आराम से बताइएगा, अपना समय लीजिएगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर इस फिगर को कंप्लीट करना है हमें, कंप्लीट द गिवन फिगर, तो आगे आपको आंसर मित्रों आयो, आपको आंसर आ गया होगा, सही जवाब आपने ढूंढ लिया होगा। चलो इस फिगर को कैसे कंप्लीट करना था आपको, अगर हम ठीक से देखते हैं तो ये यहां से जाके ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज यहां से जाके ये ऐसे है, ये ऐसे होगी, उसके बाद यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे होगा, तो इस प्रकार की फिगर बनेगी कुछ, ठीक है। सो ये किसके साथ मैच हो रहा है, दिस इज ओनली फिगर जिसके साथ ये मैच हो रहा है अपने, यहाँ पे ये डंडी गायब है, ठीक है। सो इसके लिए नहीं हो सकता, इसका ये नीचे का शेप बिगड़ गया, ये नहीं हो सकता, इसके नीचे यू आ गया, तो बचता यही है, तो यही इसका सही जवाब होना चाहिए, सी। तो कैसे ढूंढना ये भी मैंने बता दिया, इसका सही जवाब ऑप्शन सी कंप्यूटर मॉडल लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, इसका सही जवाब निकल के आ रहा है मित्रों, ऑप्शन सी। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कंप्लीट द गिवन फिगर, अब ये देख के तुरंत आपको बताना आना चाहिए कि गिवन फिगर से मैच होने वाली फिगर कौन सी है। ठीक है, सो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ गया, तो आपको ठीक से आंसर देना है मित्रों, लेवल तो हम बढ़ाते ही जाएंगे, आप जानते ही हो, वी सेटल ओनली फॉर द बेस्ट।
सो मित्रों आंसर आ गया आपका, एक मिनट दिया था मैंने आपको, देखो फिगर को हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीशन होगा फिगर का। देख लीजिएगा मैं कैसे कंप्लीट कर रहा हूं, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद ये देखिए ये पार्ट ऐसे है, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल इसमें से ऐसे बना है, उसके बाद ये लाइन जो है इसको इस प्रकार से यहां से काटेगी और इस प्रकार से ये फिगर हो जाएगी कंप्लीट मित्रों, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहां मैच हो रही है, इसके साथ मैच हो रही है, देखिएगा। आई थिंक इट शैल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ये सारी चीजें मैच हो रही है। ठीक है, सो इट हैज़ बी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो शेप है ये शेप बिगड़ गया, बाकी सब तो सेम ही था, ये शेप अलग है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड इसमें जो गड़बड़ है ये आउटर रेक्टेंगल तक चला गया ये लाइन, ये मिस्टेक है, और ये लाइन जो है ये यहां तक ही रह गई, इसमें ये मिस्टेक है, ये ऊपर तक जानी चाहिए थी एक्चुअली, ठीक है। सो सही ऑप्शन ऑप्शन ही होना चाहिए बेटर मदर, लॉक किया जाए ऑप्शन ही को, और यही आपका सही जवाब है। और हर एक में क्या मिस्टेक थी वो भी मैंने बता दी, यहाँ पे इसका शेप बिगड़ गया था, यहाँ पे ये लाइन ऊपर तक चली गई और यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ तक जानी चाहिए थी, यहीं तक सीमित है, तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। अगला इमेज आपके स्क्रीन पे ये रहा, अब ये तो फटक से आंसर देना, इसके लिए टाइम वेस्ट मत करना, कंप्लीट द गिवन फिगर, 30 सेकंड्स ओनली, 30 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, टू कंप्लीट द गिवन फिगर। So, आराम से आंसर देना है, बहुत सिंपल था, अगर आप इमेज को ठीक से देखते हैं तो आपको फटक से आंसर आ जाएगा, इमेज के ऊपर ध्यान होना बहुत जरूरी है, इमेज को ठीक से देखना जरूरी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देता हूं मैं हमेशा आपको, तो आपको आंसर आ गया होगा मित्रों। देखो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखते हो तो स्क्वायर्स बने हैं ऐसे या रेक्टेंगल्स बने हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल बने हैं और हर एक रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही लाइन है, ठीक है। सो एक ऐसी 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 लाइन है, तो यहाँ पे भी ऐसे दो रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है। पहले रेक्टेंगल में भी एक ऐसी लाइन होगी, दूसरे रेक्टेंगल में भी ऐसी लाइन होगी, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। सो दो रेक्टेंगल्स विद टू क्रॉस लाइन्स, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल में दो लाइंस आ गई हैं, तो इसके लिए गलत है। यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बने, रेक्टेंगल ऐसे बनना चाहिए, इसलिए गलत है, ठीक है। ये गलत है क्योंकि यहाँ लाइन ऐसे चाहिए, ठीक है। सो ये गलत हो गया, तो ये सही है कि जहाँ पे दो रेक्टेंगल्स बने
और दो रेक्टेंगल में बस ऐसी लाइन आई है, दैट्स इट, इतना ही था। सो सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए, मित्रों ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और मैंने आपको कंप्लीट इमेज भी यहां पे प्रेजेंट किया है ताकि आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कंप्लीट द गिवन फिगर। ये फिगर भी बहुत इजी है, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो इसको, तो देख के फटक से कंप्लीट कीजिएगा। आपका समय होता है शुरू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो कंप्लीट द गिवन फिगर, फिगर को कंप्लीट करना है, आराम से कंप्लीट करना है। सो देखो कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले शुरुआत आप यहां से करेंगे, हाँ सर्कल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सर्कल के साइड से एक रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल को भी कंप्लीट करेंगे, है ना। रेक्टेंगल कंप्लीट होने के बाद आपको ये लाइन ज्वाइन करनी है, ये लाइन, उसके बाद आपको जोड़नी है ये लाइन, इसके साथ जोड़नी है, और उसके बाद ये लाइन यहां जोड़नी है। ठीक है, ताकि देखो ये कंप्लीट हो जाए, ऐसा एक फिगर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो बस इतना ही है, छोटा सा और कुछ तो है नहीं इसमें, तो ये कहां फिट होता है देख लीजिएगा। यहाँ पे लाइन है, ये भी है, ये यहाँ पे अंदर तक चला गया, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, तो इसको छोड़ दो, ये गलत हो गया, ये अंदर तक नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये बाहर वाली जो है ना, ये थोड़ी सी मोटी निकाली, बाकी तो इमेज पूरी की पूरी मैच होती है। ये लाइन अंदर का लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला आउटर वाला जो है ना, वो ज्यादा मोटा हो गया, वो इतना मोटा नहीं चाहिए, दैट इज ओनली प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम ये वाली लाइन का प्रॉब्लम हो गया, ये वाली लाइन गलत है, तो उसका सही जवाब जो होना चाहिए ना ऑप्शन डी होना चाहिए, इट फिट्स ऑल द पैरामीटर, तो कंप्यूटर में ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखो ये वाला जो छोटा चाहिए था, यहाँ पे ये वाला मोटा हो गया, दैट वाज ओनली मिस्टेक, बाकी एवरीथिंग एल्स वाज करेक्ट। ठीक है, सो इसका सही जवाब आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट आंसर देना भी, कंप्लीट द गिवन फिगर्स, ये भी बहुत आसान है, गिवन फिगर्स को कंप्लीट करने, सो ठीक से देखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। फटक से आंसर दे सकते हैं, इसका ऑप्शन जो है सिर्फ देखो आपको यहाँ पे क्लू क्या है ना, ये लाइन के ऊपर फोकस करो, ये लाइन जो है यानी जो बीच के सर्कल से बाहर निकलने वाली लाइन जो है ना वो ऊपर है, और यहां से आने वाली लाइन नीचे है। ठीक है, सो ये बीच के सर्कल से निकलने वाली लाइन ऊपर से चाहिए थी, ये यहाँ पे नीचे से गई, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये दोनों भी यहाँ पे दिखाई दे रही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे बीच से आने वाली लाइन जो है वो नीचे से गई है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, देखो ये ऊपर से आई है। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, दैट इज ओनली क्लू ऑप्शन डी, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, सो मित्रों आई होप आप लोगों ने भी सही आंसर ढूंढ के निकाला होगा। ठीक है, सो देखो ऐसे छोटा से छोटा आपको इमेज को देख के चीजें इंटरप्रेट करनी है, फटाफट इंटरप्रेट करना है और सही जवाब देना है, कंप्लीट द गिवन फिगर, ये तो आप बहुत आराम से ढूंढना चाहिए आपने। ठीक है, सो ढूंढ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑप्शन आपके पास। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया बढ़िया। क्या आंसर रहना चाहिए,
ठीक है, सो देखिए समय इतना ही है अपने पास, इतने ही समय में आपको आंसर देना है। सही आंसर बताइएगा। यू नीड टू गिव द करेक्ट आंसर। मित्रों इसमें आंसर देने के लिए जो यहाँ का अंदर का सर्कल था उसके ऊपर फोकस करना था, दैट्स इट। उतनी पार्ट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, बाकी किसी चीज के ऊपर फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। मित्रों सर्कल के ऊपर फोकस किया तो सर्कल का देखो ये साइड कवर हो गया था कलर करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये साइड भी कलर करके कवर हो गया, ठीक है। सो दिस साइड इज ओवर, दिस साइड इज आल्सो ओवर, ठीक है। तो अब उसके बाद ऊपर का साइड भी कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कौन सा वाला साइड था? बस ये वाला साइड बचा था। तो ये वाला साइड ब्लैक होगा अंदर के सर्कल का और ये वाला साइड व्हाइट होगा। तो ऐसा वाला सर्कल कहाँ है देखो, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड ब्लैक है राइट हैंड साइड व्हाइट है, तो ये यहीं पे मिलेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब मित्रों, बाकी तो सब ठीक था, ठीक है। सो बस अंदर के सर्कल के ऊपर आपको फोकस करना था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में ये वाला साइड ब्लैक था और राइट हैंड साइड वाला साइड जो है वो आपका व्हाइट था, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कंप्लीट द गिवन फिगर। आहा, ये एक इंटरेस्टिंग है। फिगर को कंप्लीट कीजिए। बहुत सिंपल है मित्रों, देखने के बाद आपको तुरंत पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए ये वाला लाइन, यानी ये वाला लाइन इसके साथ जुड़ेगा, दैट इज टू। और देखो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये सर्कल अगर ऊपर है तो ये सर्कल नीचे है, ऑपोजिट साइड के सर्कल्स ऑपोजिट साइड पे, तो ये ऊपर है तो ये इसके नीचे ही होना चाहिए ये साइड पे ऐसा, ठीक है। सो देखिए ऐसा वाला कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यानी हमने जो फिगर कंप्लीट किया ऐसा वाला मैच कहाँ है? देखो यहाँ पे तो ये सर्कल ऊपर आ रहा है ये छोड़ दो, यहाँ पे सर्कल नीचे आ रहा है सही है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है छोड़ दो, ये सर्कल तो यहाँ पे ऊपर लिया है, ऊपर की साइड पे नहीं चाहिए था, ठीक है। सो ये भी गलत हो गया, नीचे की साइड पे चाहिए था। तो एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन बी। कंप्यूटर वाला ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सो आइए आपको समझ में आ रही है, ठीक है। सर छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन होते हैं, छोटे छोटे क्लूज आपके लिए छोड़ दिए होता है। तो आखिरी दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, 9, 10 और 11 आपके लिए फटाफट सॉल्व करना है। कंप्लीट द गिवन फिगर, और इसमें मैं मदद नहीं करूंगा, आप ही को आपकी फिगर कंप्लीट करनी है मित्रों। कंप्लीट द गिवन फिगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, मजा आएगा आपको कंप्लीट करने में। दस बीस सेकेंड देते हैं आपको पहले हमेशा की तरह, उसके बाद हम मैदान में उतर आएंगे आपको मदद करने के लिए। इन ऑर्डर टू हेल्प यू आई विल कम इन द बैटल फील्ड, इन ऑर्डर टू हेल्प यू, ठीक है। चलो सो मित्रों देखो बैटल फील्ड में उतर ही जाते हैं। ये देखिए पहले इसको कंप्लीट कर दीजिए, ये चीज कंप्लीट हो गई एक बार, ये चीज कंप्लीट होने के बाद फिर ये चीज कंप्लीट करनी है आपको, बस इतना ही कंप्लीट तो करना था, और क्या था इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। सो ये देखो ये तो बाहर चला जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे ये रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट हो रहा है, अनडाउटेडली रेक्टेंगल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वाला लाइन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका शेप बिगड़ रहा है जरा, इसका शेप जो है वो ऐसा टाइप चाहिए, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ठीक है। सो ऑप्शन ए शिल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका सही जवाब जो है मित्रों ऑप्शन ए होना चाहिए, न कि बी। सो
करेक्ट आंसर इज, नहीं ऑप्शन ए नहीं है मित्रों, बिल्कुल सही ऑप्शन बी है। रीजन क्या, मैंने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल की साइज है ना ये बहुत ही छोटी है, यहाँ पे रेक्टेंगल की साइज बड़ी है एंड बड़े साइज का रेक्टेंगल चाहिए यहाँ पे, द साइज ऑफ द रेक्टेंगल इज अ बिट बिगर, सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी नॉट ऑप्शन सी, सॉरी ए। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है मित्रों, ठीक है, थोड़ा सा फिगर इंटरप्रेट करने में हमने रेक्टेंगल को इग्नोर किया था, तो ऑप्शन बी जिनका सही जवाब आया वही सही जवाब है। उसके बाद आखिरी दो फिगर्स आपके सामने, दोनों फिगर्स सॉल्व कर दीजिए फटाफट। कंप्लीट करना है फिगर को, आसानी से कंप्लीट कर दोगे, पूरा विश्वास है मैं आप पे, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो पहले ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद ये स्क्वायर से निकलने वाले डंडी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, दैट्स इट। ये कंप्लीट होने के बाद सब कुछ जो है इसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही है। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कंप्लीट द फिगर गिवन। So, इन सबको मैच करने वाला यही फिगर है, देखो इसका शेप जो है पहले वाले लाइन का ऐसे है, उसके बाद इसके अंदर ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसका शेप ही गलत हो गया, ये लाइन ऐसे चाहिए था तो ये लाइन ही गलत हो गया, ये लाइन है लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और यहाँ पे शेप ही गलत हो गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए हमारे मुताबिक। कंप्यूटर मोदी ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है और इसका आंसर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार फिगर है, आंसर भी बहुत ही सिंपल है और इसका आपने ठीक से देखना है, ठीक से देख के ठीक आंसर देना है। Very very simple question and the answer is also very very simple. सुमित्र आंसर आ गया आपको इसका, चलो अगर हम देखते तो यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, तो यहाँ पे भी एक एरो होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर, तो यहाँ पे मैं एक एरो निकालूंगा। उसके बाद मित्रों मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, उसके बाद एक यहाँ से छोटा सा एरो के साइड में यहाँ पे एक छोटा सा साइन है, अरे बाबा आ जाओ आ जाओ, हाँ एरो के साइड में छोटा सा साइन है। अब मित्रों यहाँ पे सर्कल तो यहाँ पे भी सर्कल, ऑपोजिट ऑपोजिट, तो यहाँ पे रेक्टेंगल तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल ही होना चाहिए, देयर हैज टू बी रेक्टेंगल ओवर हियर, देन रेक्टेंगल के ऊपर जो है वो कुछ इस प्रकार से फिगर बनती है रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है। सो देखिएगा ये बीच में रेक्टेंगल होने वाला ये नहीं है, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, अब रेक्टेंगल वाली ये दो ही फिगर बचे हैं। अब इसमें भी साइन ये साइड पे आ गई है, ठीक है, साइन होनी चाहिए ये साइड पे, तो ये गलत हो गया,
तो देखो ये सब आ गया इसमें हमें जो चाहिए था, और बीच का जो है वो ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी ऐसे लग गया, ठीक है। सो इसका मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन फोर होना चाहिए, ऑप्शन फोर को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। एंड दिस मार्क्स एंड ऑफ एमसीक्यूज। तो कंप्लीट द फिगर्स वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं समाप्त। आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा टाइप था, फिगर कंप्लीट करना भी बहुत ईजी था। तो आज के लिए यही पर रुकते हैं, फिर हम मिलेंगे चलते चलते। हैव अ नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो, सी यू।